मनी इन द बैंक पे पर व्यू का इंतजार हो जाएगा इस हफ्ते में खत्म, क्योंकि ये शो आने वाला है संडे को। कौन जीतेगा सारे मैचेस डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो आपको जानने के लिए एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। तो गाइस कैसे हैं आप लोग, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। और मनी इन द बैंक की जो हाइप है WWE ने रेसल मीनिया के अगले दिन से बनानी स्टार्ट कर दी थी, और काफी सारे मैचेस इस शो के लिए ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं और शायद पेपर व्यू से पहले एक दो मैचेस और अनाउंस करे जाएंगे, लेकिन जो सारे बड़े मैचेस हैं मुझे लगता है कि ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं। तो अपनी प्रिडिक्शंस बताने से पहले मैं आप लोगों को बोलूंगा फटाफट से आपको कमेंट्स में जाना है, और जितने भी मैचेस मैंने यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वीडियो के एंड में आपको अपनी प्रिडिक्शंस मुझे बतानी है कमेंट में, ताकि मैं भी जान सकूं आपके हिसाब से कौन जीतेगा। सबसे पहले बात करते हैं WWE चैंपियनशिप मैच की, जो कि हमें देखने को मिलेगा ड्रू मैकइंटायर और सेथ रॉलिंस यानी कि द मंडे नाइट मसाया के बीच में। और गाइस यहां पे मुझे लगता है कि काफी अच्छा मैच हमें देखने को मिलेगा रेसलिंग वाइज, क्योंकि ये दोनों रेसलर्स ही कमाल के हैं और ये फ्यूड काफी अच्छी रही है। हमें देखने को मिले हैं सेथ रॉलिंस और मैकइंटायर की तरफ से कुछ अच्छे प्रोमोज, और मैं डेफिनेटली एक्सपेक्ट करूंगा कि एक अच्छा मैच हमें देखने को मिले। अब जो भी मैचेस रिंग के अंदर होने वाले हैं या फिर परफॉर्मेंस सेंटर में होने वाले हैं वो पहले से टेप्ड नहीं है, सिर्फ लैडर मैच को टेप किया गया है, तो इन मैचेस के कहीं से भी हमें स्पॉइलर नहीं जानने को मिलने वाले, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन जहां तक मैं प्रिडिक्शंस की बात करूं गाइस, मुझे लगता है कि ड्रू मैकइंटायर को ये मैच जीतना चाहिए और अपना टाइटल रिटेन करना चाहिए। अभी सिर्फ एक महीना हुआ उनको चैंपियनशिप को जीते हुए, और इतनी जल्दी ड्रॉप करने का मतलब ही क्या था जब इतना बड़ा उनका बिल्ड था और इतना उनको ओवर दिखाया जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये सही मौका रहेगा ड्रू मैकइंटायर के लिए टाइटल ड्रॉप करने का, और ऊपर से सेथ रॉलिंस को और भी किसी फ्यूड में आराम से डाला जा सकता है और किसी बेबी फेस के साथ उनकी नई स्टोरी लाइन बनाई जा सकती है। तो मैकइंटायर को यहां पे जीतना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी और भी फ्यूड्स हैं जो कि मैकइंटायर के साथ देखना चाहते हैं एज द WWE चैंपियन, इससे पहले कि वो अपना टाइटल ड्रॉप करें। नेक्स्ट मैच की हम बात करें गाइस, तो ये होने वाला है फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप बिटवीन ब्रॉन स्ट्रोमैन एंड ब्रे वायत। तो यहां पे हमें द फीड का कैरेक्टर देखने को नहीं मिलेगा, नॉर्मल ब्रे वायत देखने को मिलेंगे, और इसकी वजह से मुझे लगता है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन को यह मैच जीतना ही है, और हो सकता है कि यहां पे WWE हमें एक डिस्क्वालिफिकेशन की फिनिश दे, क्योंकि इस समय WWE बहुत ज्यादा बुरी हालत में फंसी हुई है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन को हराया तो भी फैंस अगेंस्ट हो जाएंगे कि इतनी जल्दी चैंपियन कैसे हार गया, और अगर ब्रे वायत को हराया तो लोग बोलेंगे एक बार फिर से ब्रे वायत को जो है इतना बड़ा लॉस दे दिया। तो मुझे लगता है कि WWE यहां पे हमें कोई डिस्क्वालिफिकेशन या फिर नो विनर वाला रिजल्ट देने वाली है, लेकिन अगर कोई इस मैच को जीतेगा तो मुझे लगता है वो ब्रॉन स्ट्रोमैन होने वाले हैं, और ये फ्यूड कंटिन्यू होगी और एक और मैच हमें देखने को मिलेगा जहां पे द फीड वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन होगा, और प्रोबेबली अगर ब्रॉन स्ट्रोमैन हारेंगे अपना टाइटल तो वो फीड के अगेंस्ट होगा, ना कि नॉर्मल ब्रे वायत के साथ। तो ये मेरी स्पेक्यूलेशन है, फिलहाल कुछ भी WWE कर सकते, हो सकता है ब्रे वायत जीत जाए, लेकिन वो चीज मैं नहीं चाहूंगा कि हो, और यहां पे ब्रॉन स्ट्रोमैन को अपना टाइटल कर लेना चाहिए रिटेन। नेक्स्ट मैच की हम बात करते हैं गाइस, तो ये होने वाला फॉर द स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप, बेली अगेंस्ट टमीना। अब ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता कि टमीना यहां पे जीतने वाली है, और ये हर कोई सेंसिबल बंदा जो है यही बात बोलेगा। और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है इस पूरी सिचुएशन में वो ये है कि साशा बैंक्स वर्सेस बेली के मैच तक WWE कैसे बिल्ड करेगी। बहुत समय बात दिखाई जा रही है कि साशा बेली से खुश नहीं है और वो उनके ऊपर हील टर्न कभी भी कर सकती हैं। तो मैं यहां पे प्रेडिक्ट करूंगा कि मैच तो बेली जीत जाएंगी, वो अपना टाइटल डिफेंड कर लेंगी, और मैच के बाद हो सकता है कि साशा बैंक्स टर्न कर लें बेली के ऊपर, और फिर वहां से हमें उन दोनों की फ्यूड देखने को मिल सकती है। अगर WWE चाहे तो इस चीज को और भी लंबा खींच सकती है, समर स्लैम तक खींच सकती है, और फिर बेली का बीच में किसी और के साथ मैच भी हो सकता है। लेकिन अगर यहां पे हमें एक हील टर्न देखने को मिलता है तो मेरे हिसाब से वो सही रहेगा, लेकिन एट द एंड गाइस बेली अपना टाइटल रिटेन करेंगी। उसके बाद गाइस हम बात करते हैं स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप मैच की, तो ये होगा एक फेटल फोर वे मैच न्यू डे, मिज और मॉरिसन, द फॉरगॉटन सन्स और लूचा हाउस पार्टी के बीच में। अनफॉर्चुनेटली उसोस इस मैच का पार्ट नहीं होने वाले हैं, क्योंकि जिमी उसो इंजर्ड हो चुके हैं 6 से 9 महीने के लिए। तो यहां पे न्यू डे अभी अभी चैंपियन बने हैं, मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि यहां पे न्यू डे अपना टाइटल हारे, लेकिन स्मैकडाउन पे वो फॉरगॉटन सन्स से एक सिंगल्स मैच में हार गए थे, तो क्या फॉरगॉटन सन्स को इतनी जल्दी चैंपियन बनाना मेरे हिसाब से सही रहेगा? मुझे नहीं लगता। फिलहाल मुझे लगता है यहां पे न्यू डे को टाइटल अपने रिटेन करने चाहिए कुछ देर तक, एटलीस्ट एक महीने तक, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी अगर टाइटल चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे तो टाइटल की वैल्यू कम हो जाएगी और चैंपियंस की जो रेन है उसकी भी कुछ खास वैल्यू बचेगी नहीं। मिज और मॉरिसन काफी लंबे समय तक चैंपियन थे, अब न्यू डे की बारी है, और धीरे धीरे फॉरगॉटन सन्स को यहां पे चैंपियन बनाया जा सकता है। ये एक अच्छा मैच रहेगा उनको अपनी पावर शोकेस करने के लिए और दिखाने के लिए कि आखिर वो क्या हमें ऑफर कर सकते हैं अगर वो फ्यूचर में चैंपियंस बनेंगे। उसके बाद गाइस आते हैं दोनों ही मनी इन द बैंक के लैडर मैचेस, मेन और विमेन, जो कि इस बार हिस्टोरिकल होने वाले हैं क्योंकि दोनों मैचेस एक साथ होंगे। अब यहां पे मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे दूं कि WWE जो प्लान कर रही है वो ऐसा नहीं है कि हमें पहले सारे बाकी मैचेस देखने को मिलेंगे और फिर मेन इवेंट में पूरा मनी इन द बैंक का लैडर मैच, और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग
ये माना जा रहा है कि पूरे शो के टाइम पे हमें कुछ ना कुछ फुटेज दिखाती रहेगी WWE कि अब क्या चल रहा है मनी इन द बैंक में और अब क्या चल रहा है। तो पूरे समय वो लड़ते रहेंगे और ऐसा रहेगा कि पूरे शो में वो मैच प्रोग्रेस करेगा और फाइनली मेन इवेंट के टाइम पे जो है हमें एंडिंग दिखाई जाएगी दोनों ही मैचेस की कि आखिर हेडक्वार्टर्स की रूफ पे हुआ क्या है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज रहेगी, इसकी वजह से लोग शो में बने रहेंगे और एक बहुत स्मार्ट वे है WWE का कि मनी इन द बैंक की एक अच्छी वो रिस्पॉन्स ले सकते हैं फैंस की तरफ से। और मैं काफी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें बड़ी चीजें देखने को मिलेंगी। माना जा रहा है कि कोई हेडक्वार्टर्स की छत से कूदने वाला है और वो एक अपने आप में कमाल की बात होगी। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे कि ये मैच काफी ज्यादा अच्छा होने वाला गाइस। और प्रेडिक्शन की बात करें तो जो मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच है वो है डैनियल ब्रायन, एलिस्टर ब्लैक, रे मिस्टीरियो, किंग कॉर्बिन, ओटिस और एजे स्टाइल्स के बीच में। अब मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि WWE यहाँ पे किंग कॉर्बिन को चुने, लेकिन जो टॉप टू कंटेंडर्स मेरे रहने वाले हैं वो है एलिस्टर ब्लैक और एजे स्टाइल्स। अब जिस हिसाब से रिसेंट मंडे नाइट रॉ की रेटिंग्स रही हैं और इतनी ज्यादा वो गिर रही हैं, मुझे लगता है कि WWE यहाँ पे एक सेफ ऑप्शन लेने वाली है और शायद एजे स्टाइल्स जीत सकते हैं इस मनी इन द बैंक को। अगर एलिस्टर ब्लैक भी जीतते हैं तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है उनका फाइनली टाइम आ चुका उस मेजर पुश का जो कि उनको एक चैंपियनशिप तक लेकर जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता और एजे स्टाइल्स जीतते हैं तो उस बात से मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं रहूंगा, क्योंकि एजे स्टाइल्स एक कमाल के सुपरस्टार हैं और अगर हमें वो एक अच्छी फ्यूड दे सकते हैं फॉर द चैंपियनशिप अगेंस्ट ड्रू मैकइंटायर तो वो चीज मैं क्यों नहीं देखना चाहूंगा। तो ये मेरे टॉप टू पिक्स रहेंगे, इनमें से कोई भी जीत जाए मैं खुश रहूंगा। और जहां तक विमेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच की बात है, नाया जैक्स, आस्का, शेना बेजलर, डेना ब्रुक, लेसी एवंस और कार्मेला। अब स्मैकडाउन से तो मुझे लगता ही नहीं है कि कोई इस मैच को जीतने वाला है। और मंडे नाइट रॉ की मैं बात करूं तो हमने देखा है कि किस तरीके से नाया जैक्स को पिछले कुछ हफ्तों में बहुत ज्यादा पुश कर रही है WWE, तो मैं उनको नहीं देखना चाहूंगा एज दी विनर, सिंपली इसलिए क्योंकि मुझे नहीं लगता वो कुछ खास ऑफर कर पाएंगी एज मिस मनी इन द बैंक। और जो दो बाकी के बचते हैं सुपरस्टार्स वो हैं शेना बेजलर और आस्का। शेना बेजलर मेरी नंबर वन पिक रहेंगी इसलिए क्योंकि उनकी बैकी लिंच के साथ जो रेसलमेनिया मैच की एंडिंग थी वो कुछ खास नहीं थी, वो एक फ्लूक था, यानी कि तुक्के से बैकी लिंच काइंड ऑफ उस मैच को जीत गई। तो उस चीज को मैं वापस एक बार कंटिन्यू होते हुए देखना चाहूंगा और हो सकता है अगर शेना बेजलर और बैकी का मैच एक बार फिर से हो तो उसके एंडिंग में रोंडा राउजी आ जाए और हमें शायद उस तरीके से रोंडा का रिटर्न देखने को मिल सकता है। और आस्का अगर इस मैच को जीते हैं तो उससे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस समय वो एक काफी अच्छी हील है और इस पूरे पैंडेमिक के पीरियड में मुझे लगता है कि आस्का ने सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी है पूरी विमेंस डिवीजन में, तो वो भी इस चीज को डिजर्व करती हैं। तो ये है सारे मैचेस गाइस जो कि अभी तक ऑफिशियल हुए हैं इस पेपर व्यू के लिए। जैसा कि मैंने कहा, एक या दो मैचेस और ऑफिशियल जरूर करे जाएंगे तो उनकी प्रेडिक्शंस हम बाद में जरूर जान लेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपनी प्रेडिक्शंस मुझे कमेंट्स में बतानी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।